डंडौरा में एक ईंट भट्टे के उद्घाटन में पहुंचे गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि ईंट भट्टा मालिकों की जो भी शिकायतें हैं उनको जल्द ही सीएम से मिलकर दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा कथनी के बजाय करने में विश्वास रखती है। चुनाव आते देख कुछ राजनीतिक दलों के लोग हमें जाति व धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। साल 2024 में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग शुरू हो जाएगा। सरकार ने 24,000 नौकरियां निकाली हैं। उत्तराखंड सरकार ने भर्तियों में एक वर्ष की आयु की छूट कर दी है। राज्य सरकार द्वारा इंटर व हाई स्कूल में अध्ययनरत 2,00,000 छात्र छात्राओं को टैबलेट देगी। उन्होंने गन्ना किसानों के पुराने बकाया पर बोलते हुए कहा कि मामला अभी न्यायालय में है, जैसे न्यायालय का निर्णय आएगा उस पर सरकार पूरा अमल करेगी। मिलों को निर्देश दिए गए हैं कि 15 दिनों में किसानों को गन्ने का भुगतान किया जाए, जिस पर अमल करते हुए मिलों ने भुगतान शुरू कर दिया है। हमारी मंशा है कि हमारा किसान खुशहाल हो। नए ईंट भट्टे की शुरुआत की है, उसके शुभारंभ के अवसर पर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ कि उन्होंने एक नए उद्योग की शुरुआत यहाँ पर की, इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। और दूसरा, दो तीन समस्याएं इससे जुड़े हुए जो हमारे लोग हैं इस उद्योग से उनकी थी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिल सकता है और जो परेशानी इस उद्योग के सामने है उसका निराकरण कैसे हो सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी एक बहुत ही कर्मठ मेहनती और जो भी सही काम होता है उसको तत्काल निर्णय लेते हैं और इस समस्या का भी समाधान हम जल्दी करवाएं। रोजगार कैसे दिया जा सकता है, उनके द्वारा जो उत्पादन बनाए जाते हैं उसको मार्केट कैसे मिल सकता है। अगर उनको मार्केट मिलेगा तो निश्चित रूप से उनके पास पैसा आएगा और फिर मजबूत होंगे। तो हमारी सरकार का इस पर विशेष ध्यान है, जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं इनको मजबूत किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग और व्यापार इनको दिया जाए। 2022 के चुनाव को देखते किस तरह देखते हैं? 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा भारी बहुमत के साथ आएगी, क्योंकि हमने काम ही ऐसे काम किए हैं जिससे लोग प्रभावित हैं और लोगों ने मन बना लिया कि 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अगला चुनाव मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? माननीय मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री और संगठन सबको साथ लेकर 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा। एक्सप्रेस न्यूज भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।